चंडीगढ़ में किसान संयुक्त मोर्चा की एक महान बैठक चल रही है और इस वक्त राकेश टिकैत हमारे साथ है। सर ये बताइए कि ये जो चंडीगढ़ में आज बैठक हो रही है उसको कैसे लगता है? एसकेएम की बैठक है चंडीगढ़ में, जो कि घटनाक्रम यहाँ पे ही चल रहा है, जितना भी 4-5 दिन से चल रहा। एसकेएम की मीटिंग में कुछ न कुछ मुद्दे का समाधान हो, और ये है कि एसकेएम और जो दूसरी जत्थेबंदी है वो सब इकट्ठी होकर कोई फैसला ले। सर जिस तरह से किसानों के बीच और सरकार के बीच 4 दौर की बैठक हो चुकी है, तो आगे भी जो है कल कृषि जो केंद्र के कृषि मंत्री है उनकी तरफ से ये कहा गया कि बैठक के लिए हम तैयार हैं, तो किसान नेताओं की तरफ से क्या है? नहीं, वे तो बैठक तो कर रहे हैं, बैठक को कोई मना नहीं करता, लेकिन बैठक से समाधान निकलना चाहिए। बैठक का बातचीत होगी और दिखा दिया कि बैठक हमने कर ली, उसका समाधान निकले। MSP गारंटी कानून में देने में क्या दिक्कत है, ये उसको लागू कर दे, क्या दिक्कत है उसको? और जिस तरह से डल्लेवाल की तरफ से भी आज बयान आया कि सारे संगठनों को और सारे देश के किसानों ने एक होना चाहिए, तो इस उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बयान उनका ठीक है और अपने वाले भी यही चाहते हैं कि इकट्ठे हो तो बैठ जाएं, जब शाम की बैठक हो उससे पहले कम से कम बैठ के और सलाह मशवरा करें, जब सरकार से मीटिंग हो उसमें भी सब लोग हमारे जाएं जैसे पहले जाते थे। अगर पंजाब के सब लोग ये जत्थेबंदियां इकट्ठी हो जाएगी, पंजाब हरियाणा जितने भी हमारे लीडर थे वे जाएं मीटिंग में और सरकारों के साथ में बातचीत करें, तो कुछ न कुछ हल निकलेगा। जिस तरह से कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि जो ट्रैक्टर ट्रोलियां लेके जो है किसान बैठे हैं और बड़ी बड़ी JCB लेके आए हैं तो वो नहीं ले आनी चाहिए, और छोटे छोटे दल में जो कुछ हटवा दें उसमें से, कुछ हट जाओ कुछ चले जाओ। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज किसानों को एक तोहफा दिया, गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की गई, तो उस फैसले को आप कैसे देखते? देखो 5 रुपये महंगाई के हिसाब से बढ़ाया, लेकिन कम है जो सेंटर का रेट बढ़ा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इसमें उससे ज्यादा रेट है जो स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है। इसका 5 रुपये जो बढ़ा है, इसका फायदा जो साउथ के हमारे किसान हैं उनको इसका फायदा हो जाएगा। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, उनका साफ तौर से कहना है कि जो आज गन्ने के रेट में जो बढ़ोतरी की गई है उस पर जो साउथ के किसान हैं उन्हें काफी मदद मिल सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन परानी, चंडीगढ़।